माननीय सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव। माननीय सभापति जी, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह वर्ष 1992 में स्थापित जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने एवं शोध कार्य सहित अन्य समस्याओं का निदान करे। माननीय सभापति जी के माध्यम से मैं बिहार सरकार को बताना चाहता हूं कि एक जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, असहयोग आंदोलन के दरमियान ही राजेंद्र बाबू के नाम पर कॉलेज खुला और उसी समय उस वहां विश्वविद्यालय खोलने के लिए आंदोलन चले, जिसमें माननीय मजरुल हक साहब और महापंडित राहुल सांकृत्यायन और ब्रजकिशोर बाबू ने उस आंदोलन का की बात कही थी। वहां विश्वविद्यालय तो खुला, परंतु आज तक बिहार सरकार ने वहां 16 विभाग में स्नातकोत्तर चलता है, जिसमें मात्र 9 को मान्यता प्राप्त है। 8 विभागों में जो मिल रहा है, डिग्री मिल रही है, उस डिग्री की मान्यता कैसे रहेगी? 27 वर्षों में बिहार सरकार ने उसको स्नातकोत्तर की पढ़ाई की सहमति नहीं दी, जबकि लड़के वहां परीक्षा दे रहे हैं। इतनी बड़ी विडंबना है। दूसरी बात, राज्यपाल महोदय जयप्रकाश बाबू की जन्म धरती पर परसाल गए थे। माननीय कुलाधिपति जी ने वहां घोषणा की कि जयप्रकाश बाबू के जो लोकतंत्र के संबंध में जो विचार और सिद्धांत हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए हम पीठ बनाएंगे। वह भी काम नहीं हुआ। वहां कोई परीक्षा भवन नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, पुस्तकालय नहीं है। इस बार की स्थिति यह है कि 10,000 रिक्त रह गए स्नातक में सीट और उस पर नामांकन नहीं हुआ। ऐसी व्यवस्था हुई कि हो ही नहीं पाया, वहां का प्रशासन अक्षम हुआ, जिसके लिए वहां सीनेट की बैठक, आपने हमें सीनेट में भेजा है, वहां आज तक सीनेट की बैठक में सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की बैठक नहीं होती है। जयप्रकाश बाबू पक्ष और विपक्ष दोनों, जयप्रकाश बाबू के अपने को हिमायती कहने के लिए और माननीय सभापति जी भी कहते हैं कि मैं जयप्रकाश आंदोलन का उपज हूं और ये काम नहीं हो पा रहा है। बड़ी दुख और चिंता का विषय है। मैं चाहता हूं माननीय सभापति जी से कि बिहार सरकार इस पर एक कमेटी बनाए, समिति बनाए, उसकी समीक्षा करे और वो भी, और उसकी सारी जमीन को भू माफिया कब्जा कर रहे हैं। मैंने आपके यहां प्रश्न किया तो विश्वविद्यालय से लिख के आ गया कि कोई अतिक्रमण नहीं है, जबकि मेरे आंख के सामने रोज मैं देखता हूं एक न एक वहां मकान बन रहा है। बड़ी चिंता का विषय है माननीय सभापति जी। माननीय मंत्री, बड़ा गंभीर संकल्प आया है और इस संकल्प से संकट भी सामने आ रहा है, दिख रहा है। आप उस दिन ले गए थे सिवान तो वहां भी न ले जाते, छपड़ा नहीं ले गए, ऐसे टालिएगा तो नहीं ना होगा, आपको ले जाना चाहिए वहीं से। सभापति महोदय, बड़े विस्तार से, बड़े तफसील के साथ माननीय सदस्य ने अपनी बात कही और हमको लगता है कि हमारा जवाब भी उतना ही तफसील है। होगा ही, मुनासिब बात है, वो भी विद्वान है, आप तो विद्वान है ये हैं। और फिर आप सुन लीजिएगा, उसके बाद फैसला कीजिएगा। प्रस्तुत संकल्प के प्रश्न में कहना है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने हेतु विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 90 दिनांक 21/12/2018 द्वारा 5,89,47,000 मात्र एवं स्वीकृति आदेश संख्या 146 दिनांक 22/2/2019 द्वारा 11,43,99,000 की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में तत्काल 6 करोड़ रुपए योजना के क्रियान्वयन हेतु विमुक्त किया गया है। उक्त राशि से जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा अंतर्गत परीक्षा भवन, महिला छात्रावास, अतिथि गृह, कुलपति आवास आदि का निर्माण कराया जाना है। उक्त हेतु बिहार कराया जाना है, सुनिए वीरेंद्र बाबू, कराया जाना है। उक्त हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है एवं परीक्षा भवन का निर्माण कार्य दिनांक
18/11/19 से प्रारंभ हो चुका है। विश्वविद्यालय अधिनियम के आलोक में शोध कार्य को बढ़ावा देना विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है। विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार उक्त दिशा में सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। अब आप लोगों ने बहुत विस्तार से सुना कि इतनी माननीय सभापति जी बीएसआई माननीय सभा पहले बोल लेने दीजिए। नहीं नहीं पहले माननीय मंत्री को पूरा कर लेने दीजिए। तो काफी बड़ी राशि हम लोगों ने वहां दिया है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती है। और बाकी काम तो विश्वविद्यालय के स्तर से होना है, हमारे स्तर से विभाग के स्तर से जो होगा तो वो हम लोग उसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो इतना कुछ करने के बाद कहा जाता है कि हम वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तुम भी दिलदार नहीं, तो दिलदार नहीं। वाह, संकल्प वापस लेने के लिए तो कह दीजिए। एक मिनट में माननीय सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ने एक गंभीर बात कह दी है। माननीय मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए उन्होंने राशि स्वीकृत की है। छात्रावास बनेगा, कुलपति का आवास बनेगा, बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया है परीक्षा भवन बनेगा महोदय, लेकिन दर्जनों विषयों में स्नातकोत्तर की परीक्षा की स्वीकृति नहीं मिली है, विषयों का की स्वीकृति नहीं मिली है, परीक्षाएं हो रही हैं, तो डिग्री मान्य कैसे होगी? ये गंभीर प्रश्न है। ये तो ये सरकार को करना है महोदय। ये भवन से उसका संबंध नहीं है, राशि से संबंध नहीं है। सरकार नियम बना करके, जो सारे नियम बने हुए विश्वविद्यालय संचालन के लिए, विषयों की स्वीकृति के लिए, तो ये तो गंभीर मामला है कि सारी डिग्रियां अमान्य हो जाए, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी इन छात्रों को। ये गंभीर प्रश्न है महोदय, इस पर विचार किया जाए।